या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल पडेमिया। मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी म्हटले की आजची बैठक ही फक्त 9 तारखेच्या गुढीपाडव्याच्या सभेसाठी होती। त्यानंतर मनसे लोकसभेच्या जागेबद्दल ते बोले की तो निर्णय थोड्याच दिवसात जाहीर होईल। ज्या जागांची आम्ही मागणी केली आहे त्यावर चर्चा सुरू आहे। महाराष्ट्रातील दोन्ही आघाड्यांनी एकसंध राहायला हवं असे यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी म्हटले। हर साल हमारा त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, उसकी तैयारी की मीटिंग थी और उस तैयारी की मीटिंग के बारे में सम्मान्य नितिन सरदेसाई साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है। बाकी जो आपको चाहिए वो थोड़ा वक्त का इंतज़ार करो। राजनीति में जिसके पास पेशन है, संयम है, धैर्य है, वही आगे जाते। थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो सभी जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है, उसके जवाब आपको एक दो चार रोज में मिल जाएंगे। सर, सवाल ये भी है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद इस तरह की भी बातें सामने आई कि वहाँ से प्रपोजल दिया गया कि मनसे और शिवसेना मर्ज हो जाए और शिवसेना के चीफ के तौर पर राज ठाकरे जो है जो उस सीट पर बैठे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी अखबारों में भी इसको लेकर खबरें चल। मेरी जानकारी के हिसाब से ये अखबारों में और आपके मीडिया में आई हुई बात ही है। अभी तक इस बारे में कुछ अगर डिस्कशन चर्चा हुई भी होगी तो पार्टी प्रमुख जो है उनको इस बारे में पता है, वो उन्होंने हमारे से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। लोकसभा सीट को लेकर कुछ ये हुआ था कि कितनी सीटों पर एमएनए जो है खुद लड़ने जा रहे हैं? तीन सीटें तो हमने मांगी थी, वो तीन सीटों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। आखिर में हमने तो दो सीटें मांगी है, उसके ऊपर साहब और उनकी पार्टी का डिस्कशन। कहाँ कहाँ की कौन कौन सी सीटें? वो तो पार्टी है। सर, ये बताइए कि अगर दो सीट मिल जाती है तो क्या एमएनएस तैयार है चुनाव के लिए? तो उसके बारे में पार्टी है रही बात करेगी तो अच्छा रहेगा। तो दो सीटों में क्या साउथ मुंबई की सीट है सर? अभी तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं। सर, आज प्रश्न मराठी होता कि तीन जागा आम्ही मागितल्या होत्या, त्याच्यावरती आता दोन जागांवरती चर्चा चालू आहे, त्याच्यावरती निर्णय पक्षप्रमुख घ्यायचा तो घेतील। सर, प्रश्न आहे तो कुठल्या जागा? या जागा पक्षप्रमुखांना माहिती आहे, त्यांनी काही ठरवलेल्या जागा असतील, त्यांना काही खात्री असेल तशा जागा त्यांनी मागितली। सर, एक मराठी प्रश्न हा होता की दोन्ही पक्षांच्या ज्या मनसे शिवसेना पक्षाच्या विलिनीकरणाच्या संदर्भातल्या ज्या काही चर्चा होतात तो राज ठाकरे यांना शिवसेना पक्षप्रमुख पदाच्या ज्या चर्चा होतात त्या ह्या मीडियामध्ये आलेल्या बातम्या आहेत, आम्हाला त्याची कोणतीही कल्पना नाही। जर कल्पना असेल तर त्या त्या प्रमुखांना त्याची कल्पना असेल, ज्यावेळेला त्या आमच्यापर्यंत येतील त्यावेळेला निश्चितपर्यंत तुमच्यापर्यंत पोचलेले असतील याची आपण खात्री बाळगू। सर, एक सवाल ये है कि MBA में जो VVA के सामील होने की चर्चा चल रही थी, आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने कैंडिडेट्स के अनाउंस कर दिए हैं, क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है आपको? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी एक साथ रहना चाहता है और महायुति भी एक साथ रहना चाहती है। आखिर में जो सवाल उठता है वो सीट के बंटवारों का सवाल है और उसके ऊपर से थोड़ा आनाकान होता है तो उसके ऊपर जल्दी कोई निर्णय हो जाएगा। अभी बहुजन आघाड़ी ने तो 9 कैंडिडेट अपना अनाउंस कर दिया है, ठाकरेगढ़ ने भी अपना 16-17 कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, तो ऐसे हर पार्टी अपना अनाउंस करती है। सर, MNS क्या इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी? हाँ, लोकसभा चुनाव तो लास्ट टाइम ही हम लोग सब लड़े थे, लास्ट टाइम नहीं लड़े थे, बाकी दो बार तो मैं ही खुद लड़ा था। नहीं सर, युतीची चर्चा जर नाही पुढे गेली तर मनसे स्वबळावरती त्याच्यावरती पक्षप्रमुख निर्णय घेतील। मटन चिकन साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेमिया पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीक, चिकन 65 आदि मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडेमिया स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कड़ी, खीमा मसाला, चिकन मध्ये चिकन राइस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडेमिया चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन मसाला असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। आमचा पता
होटल बड़े मियां विजापुर वेस सोलापुर।